का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं फितना सुफियानी एंड अराइवल साइंस ऑफ इमाम मेहंदी। तो इस वीडियो में इमाम मेहंदी के अराइवल के जो साइंस हैं वो बताए गए हैं कि वो कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या होगा उस टाइम पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से साइन हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि इमाम मेहंदी आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें 7 ऐसे फितनों से बाखबर करता हूँ जो कि मेरे बाद रुनमा होंगे। एक फितना मदीने से उठेगा, एक मक्का से, एक यमन से, एक शाम से, एक मशरक से, एक मगरब से और एक शाम के मरकज़ से, और यही फितना सुफियानी होगा। दोस्तों, हदीसे मुबारका से हमें पता चलता है कि ये क्यामत से कबल फितनों का दौर होगा, जहां पर हर जगह इस्लामी मुमालिक मुख्तलिफ ग्रोहों और फिरकों के अंदर बढ़कर फितनों का शिकार हो चुके होंगे। कुरान और इस्लामी अकामात को पसे पुश डाल दिया जाएगा और इसी दौर के अंदर मक्का में एक बहुत बड़ा फितना जन्म लेगा। जैसा कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि लोग इकट्ठे होकर एक रोज हज कर रहे होंगे, वो एक ही इमाम के साथ मैदान अराफात में जमा होंगे, लेकिन जब मीना में पहुंचेंगे तो अचानक इन पर दीवानगी जैसी कैफियत तारी हो जाएगी, क्योंकि इनका किसी बात को लेकर ऐसा इख्तलाफ होगा कि सबके सब कबाइल एक दूसरे से नाराज होकर आपस में लड़ पड़ेंगे, यहाँ तक के कत्लो गारत शुरू हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान लोग सुलह के लिए इस बात पर भी आमादा हो जाएंगे कि इनके अंदर मौजूद सबसे बेहतरीन और मोतबर आदमी इनके दरमियान फैसला करे कि कौन हक पर है। लिहाजा ये सब लोग मिलकर एक ऐसे शख्स के पास जाएंगे जो कि काबा को अपने चेहरे से लगाकर रो रहा होगा और इससे कहेंगे कि आप आगे बढ़े, हम आपकी बैत करते हैं, यानी कि आपको अपना सरदार बनाते हैं। ये शख्स जवाब देगा कि तुम लोगों ने इतना खून बहाया, अपने वादे को तोड़ा, तुम लोग अब जाकर मेरी बैत करते हो। बहरहाल ना चाहते हुए भी लोगों के दरमियान मजीद फिरका वारियत और खून खराबे को रोकने के लिए अमन की खातिर इन लोगों की बैत को कबूल कर लेंगे। यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे जो कि उम्मत के अंदर फितनों के वक्त जाहिर होंगे और इन्हें इकट्ठा करके मैदान जंग के अंदर कुफर के खिलाफ आखिरी जंग के अंदर इनके सिपा सलार भी होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद के लिए खुरासान, यानी कि आज के दौर के अंदर जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका भी शामिल है, यहाँ से काले झंडों वाली फौज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज का हिस्सा बनेगी। ये काले झंडों वाली जमात एक ऐसे जालिम और सरकश बादशाह से लड़ने के लिए जा रही होगी जो कि एक के बाद एक मुसलमान मुल्कों पर कब्जा करके वहां पर इसने लूट मार और कत्लो गारत का बाजार गर्म कर रखा होगा। इन्हें रास्ते में ही ये खुशखबरी मिलेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जहूर हो चुका है, लिहाजा ये लोग रास्ते से ही वापस जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत करके इनकी फौज के अंदर शामिल हो जाएंगे, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नस्ल से होंगे। इनका नाम भी मोहम्मद होगा, ये अरबी नस्ल से होंगे, इनके चेहरे पर एक तिल होगा और ये जमीन को ऐसे अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे ये पहले जुल्म और सितम से भर चुकी थी। ये शहरों के शहर एक के बाद एक फतह करते जाएंगे, आप ही बैतुल मुकद्दस को फतह करेंगे जिसके बाद दज्जाल दुनिया के अंदर जाहिर होगा, और इसके बाद इसके खात्मे के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि जब भी जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो अल्लाह ताला एक मसीहा को दुनिया के अंदर जरूर नाजिल करते हैं। और इसी दौरान मक्का के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब मुसलमानों की खिलाफत संभालेंगे तो इस वक्त मौजूद मुल्क शाम में मौजूद एक बादशाह इनके मुकाबले के लिए मदीना पर हमला करने के लिए अपना लश्कर भेजेगा, मगर अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार होकर रास्ते में ही जमीन फट कर इस पूरे लश्कर को जमीन के अंदर धंसा देगी, यानी कि यह लश्कर अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार होगा क्योंकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी। इस दौर के अंदर मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान ये होगा कि अगर वो इस सफाक बादशाह सुफियानी की बैत नहीं करते, इसका हुक्म नहीं मानते, तो वो इन्हें कत्ल करवा देगा, और अगर वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देंगे तब भी सुफियानी के गैज़ो गज़ब का शिकार होंगे, और अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ नहीं देंगे तो काफिर हो जाएंगे। दोस्तों, इस जालिम बादशाह का जिक्र जिसका नाम सुफियानी होगा, इसका शाम से खरूज होगा जो कि मुतअद्दिद रिवायात से बयान होने वाली निशानियों में से एक है। ये अबू सुफियान की नस्ल से होगा जो कि ज़हूर से कुछ मुदत पहले सरजमीन शाम से खरूज करेगा। वो इंतहाई जालिम और जाबिर होगा, कत्लो गारत में किसी की कोई परवाह नहीं करेगा, लाखों लोगों को मारता चला जाएगा और कई मुस्लिम मुल्कों को इसी जुल्म की वजह से फतह कर लेगा, जिसे बाद में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दोबारा फतह करवा लेंगे। ये आलमों को भी कत्ल करवाएगा, अपने सामने बोलने वालों को भी, इवन के हमला औरतों के पेट फाड़ देगा ताकि कोई भी लड़का बड़ा होकर इसके मुकाबले में ना आ सके। ये लोगों को सजा के तौर पर मारने के लिए इन्हें उबलते हुए तेल के अंदर डालकर इनको फ्राई करवाएगा।
ये अपने मुखालिफिन से इंतहाई बुरा सलूक करेगा और इसका चेहरा इंतहाई डरावना और वहशतनाक होगा। इसके चेहरे पर चिचक के दाने होंगे या सफेद पुतलियां जो कि देखने वालों को काना लगता होगा। हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इसके बारे में फरमाते हैं कि अगर तुम सुफियानी को देखो तो गोया तुमने इस वक्त के सबसे पलीद और बुरे इंसान को देख लिया। सुफियानी का खरूज रजब के महीने से शुरू होगा और वह शाम और इसके करीब के इलाकों पर कब्जा करने के बाद इराक पर हमला करेगा और वहां वसी पैमाने पर कत्लोगारत करेगा, जबकि बाज रिवायत की बिना पर इसके खरूज और इसके कत्ल होने का वक्त 15 महीने बताया गया है। इसी के टाइम के अंदर खस्फ नाम का मौजा होगा, यानी कि ज़मीन के फटने और इसके अंदर सुफियानी की पूरी फौज के गिरने का, क्योंकि खस्फ के मायने हैं फटने के और गिरने के। और बेदाई मक्का और मदीना के दरमियान एक इलाके का नाम है, इसीलिए खस्फ बेदाई से मुराद ये है कि जब सुफियानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जहूर की खबर सुनकर इनकी फौज से मुकाबला करने के लिए एक लश्कर मक्का की तरफ भेजेगा और जब ये बेदा नामी इलाके में पहुंचेगा तो यहाँ पर ज़मीन फट जाएगी और सारा का सारा लश्कर ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, सिवाय दो लोगों के जो के वापस जाकर ये तमाम वाकया सुफियानी को बताएंगे। इस वाक्य के बारे में इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सुफियानी के लश्कर को जब यह खबर मिलेगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं, लिहाजा सुफियानी अपनी फौज को हुक्म देगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर का पीछा किया जाए। और जब यह लश्कर सरजमीन बैदा पर पहुंचेगा तो एक आसमानी आवाज़ आएगी, ऐ सरजमीन बैदा इनको नाबूद कर दे, जिसके बाद यह सरजमीन सुफियानी के लश्कर को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, दजाल और सुफियानी दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन इन दोनों के अंदर फर्क यह है कि दजाल की सरगर्मियां छुपी हुई होंगी, वह लोगों को धोखा देकर गुमराह करेगा, जबकि सुफियानी खुलेआम मुखालफत और जंग करेगा। इस आखिरी दौर के लिए बहुत सारी निशानियां बताई गई हैं और इन निशानियों की पहचान बहुत सारे मस्बत आसार रखती हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसी ही मस्बत निशानी है यमनी का क्याम, कि यमन की सरजमीन पर एक सरदार का क्याम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जहूर की एक और निशानी है, जो कि आपके जहूर से कुछ ही दिन पहले जाहिर होगी। ये एक ऐसा साले और मोमिन शख्स होगा जो कि फ़िरका वारियत के दौर के अंदर इन फ़िरका वारियत और बुराइयों के खिलाफ खड़ा होगा और अपनी तमाम तर ताकत से इन बुराइयों और फसाद का मुकाबला करेगा। अलबत्ता इसके क्याम और तहरीक की तफसील ज़्यादा वाजे नहीं है कि यह कब, कैसे और किस तरह से ये सब करेगा। जबकि इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम इसके बारे में फरमाते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के क्याम से पहले बुलंद होने वाले परचमों के दरमियान यमनी का परचम तमाम हिदायत पाने वाले परचमों में सबसे बेहतर होगा, क्योंकि यमनी तुम्हारे आका इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तरफ अपने जेर असर तमाम मुसलमानों को दावत देगा। यानी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जहूर की एक और निशानी, जिसके जाहिर होने के बाद इनका इंतजार करने वाले लोगों के दिलों के अंदर उम्मीद के नूर के अंदर इजाफा होगा और ये दुश्मनों और गुमराह लोगों के लिए एक बड़ी याद दहानी और खतरे की घंटी होगी, ताकि वो अपनी नाफरमानियों से और बुराइयों से बाज आ जाएं। जिस तरह से माजी के अंदर मुसलमान इख्तलाफात का शिकार होकर अलग अलग हो गए, बिल्कुल पानी में बिखरे हुए तिनकों की तरह, और दुश्मन ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और मुसलमानों को डिवाइड एंड रूल, यानी कि तकसीम करके या इनके इतिहाद को तोड़कर इन्हें एक एक करके ख़त्म करना शुरू किया, जो कि आज के दौर के अंदर भी चल रहा है। आलम कुफर ने कैसे एक के बाद एक मुसलमान मुल्क को तबाह किया, ये हमारे सामने है। और यही सब इस सुफियानी के फितने के दौर के अंदर भी होगा, जब एक जालिम और वहशतनाक बादशाह मुसलमानों के इसी इख्तलाफात का फ़ायदा उठाकर इन पर ना सिर्फ काबिज होगा बल्कि इन पर जुल्म करेगा, जो कि दरअसल मुसलमानों के अपने अमाल की सजा होगी, क्योंकि उन्होंने दीन को छोड़कर दुनियादारी को अपना लिया होगा। लेकिन फिर भी इस फितने के दौर के अंदर ईमान वाले लोगों की मदद के लिए अल्लाह ताला इमाम मेहदी की सूरत में अपनी मदद और अपनी रहमत मुसलमानों पर नाजिल फरमाएगा, जो कि इन तिनकों को जोड़कर एक मुकम्मल घोंसले को तैयार करेंगे और जमीन को अमन और सुकून से एक बार फिर से भर देंगे, क्योंकि जुल्म और कुफर चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, इसका अंजाम हमेशा इंतहाई भयानक और इबरतनाक ही हुआ करता है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। तो ये सब वो साइन हैं जो इमाम मेहंदी के आने से पहले के बताए गए हैं कि जब वो आएंगे उससे पहले क्या क्या होगा, जैसे कि लोग सारी एक जगह इकट्ठे होकर जब नमाज भी पढ़ेंगे आपस में लड़ पड़ेंगे, इतना कत्लेआम मचा देंगे और
उसके बाद में वो उन्हीं में से एक जो इंसान होगा जो कि काबा के पास में खड़े होंगे, उसके पास अपना सर लगा के, तो उसी को सिलेक्ट करेंगे कि वो आके लीड करें। तो ये सब है। उसके अलावा सुफियानी के बारे में, फितना सुफियानी, और सुफियानी का तो मुझे बहुत ही क्रूर लगा कि वो कितना मतलब क्रूर किस्म का इंसान है कि लोगों को ऐसे ही तेल की कढ़ाई में डाल देगा, ऐसे ही जला देगा। मतलब कितना ही वो कहते हैं ना नरभक्षी इंसान होगा कि लोगों को ऐसे ही मारेगा। और दज्जाल के बारे में, दज्जाल का हम लोगों को पता है कि उसके बारे में एक दो वीडियोस पहले भी देखी हुई हैं, बट ये है कि दज्जाल ओपनली ऐसे नहीं बताएगा कि मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वो हमेशा लोगों को ये बहुत फैंसी फैंसी चीज़ें दिखाएगा, मैजिक दिखाएगा कि ये सब मैंने किया है, जिससे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। पर जो सुफियानी है वो ऐसा नहीं करेगा, वो ओपनली सबको बता देगा कि हाँ मैं अगर ऐसा हूँ, मैं अत्याचार लोगों पर कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। लेकिन दज्जाल उससे ओपोजिट रहेगा। और जब इमाम मेहंदी आ भी जाएंगे और सुफियानी जो है वो अपनी फौजों को भेजेंगे उस साइड में, तो वो जमीन फट जाएगी, वो सब लोग अंदर चले जाएंगे। तो ये सब तो है। और मतलब मैंने ये देखा है जब भी इस पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अत्याचार और ये सब चीज़ें बढ़ जाती है ना, तो हमेशा वो खुदा किसी एक ऐसे इंसान को भेजता ही है जिससे वो सब चीज़ें अंडर कंट्रोल हो जाती हैं। तो सेम वे जो इमाम मेहंदी हैं, उनका काफ़ी होली बुक्स में भी मेंशन किया गया है। ऑल दो अलग अलग होली बुक्स में उनको अलग नाम से एड्रेस किया गया है, लेकिन हाँ ये हर होली बुक में मेंशन किया गया है इमाम मेहंदी के बारे में। नाम उनका अलग है, क्योंकि मैंने डॉक्टर जाकिर नायक साहब की भी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि इमाम मेहंदी ऐसा नहीं कहेंगे कि सिर्फ कुरान में ही इमाम मेहंदी के लिए बताया गया है कि वो आएंगे और ये होगा वो होगा। वो इस पूरी दुनिया के ही दुनिया के लिए ही आएंगे। आज कल भी हम लोगों ने देखा है कि हर जगह ये सब क्लीश, लड़ाइयाँ, झगड़े, इसका हक ले लें, उसका हक ले लें, इस कंट्री का हम कोई लैंड कैप्चर कर लें, वो सब हो ही रहा है। और इतनी पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं, लोगों के दिलों में बिल्कुल एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, प्यार नहीं है। तो जल्द ही मुझे लगता है कि इमाम मेहंदी आएंगे। और मैं ये बताई थी कि डॉक्टर जाकिर नायक साहब की जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि हर होली बुक में ये चीज़ मेंशन की गई है कि उनका अराइवल लिखा गया है, बट अलग अलग नाम से उन्हें एड्रेस किया गया है। ओबियसली इमाम मेहंदी इज़ अ मुस्लिम नेम, तो जो हिंदू की बुक है उसमें उन्हें कुछ और नाम से एड्रेस करते हैं, क्रिश्चियंस में उन्हें ओबियसली कुछ और नाम से एड्रेस किया होगा, बट ये तो पक्का है कि उन्होंने आना ही आना है। तो वो और कितने दिन रह गए, या हफ्ते या महीने या साल रह गए उनके आने में, ये हम लोगों को आई गेस कि जल्द ही पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मैंने एक थोड़े दिन पहले मैं एक देख रही थी वीडियो जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि टर्की में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इमाम मेहंदी आ चुके हैं, समथिंग समथिंग कुछ। तो वीडियो थी, मैं दोबारा से देखूंगी उसको, बिकॉज़ इट वाज वेरी लेट इन द नाइट जब मैं ऐसे यूट्यूब पे अपनी वीडियो थोड़ा कमेंट्स पढ़ रही थी। तो राइट हैंड साइड में जो वीडियोस आती हैं, तो उसी में एक वो भी वीडियो थी कि टर्की में ये अनाउंस हो गया है कि इमाम मेहंदी आ गए हैं, बट वो कितनी सच्चाई है और कितना नहीं ये हम लोगों को पता चलेगा। अगर मुझे मिलती है वो वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगी, तो आप लोग भी उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।